नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में आपको हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन से अवगत करवाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पे आप देख ही चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है 2019 की वो निकल चुकी हैं। तो किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी होंगी और क्या प्रोसीजर है इसका, मैं इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश की ओर से 16 अक्टूबर 2019 को ये नोटिफिकेशन आई है। अभी तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाली गई है, लेकिन बहुत जल्द जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको डाल दिया जाएगा। तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डाला जाएगा मैं आपको बता दूंगा, और आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कैसे फॉरेस्ट गार्ड की जो है भर्ती को भर सकते हैं इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्द पहुंच सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये नोटिफिकेशन आई है। सब्जेक्ट है फिलिंग अप टू वैकेंट पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड अगेंस्ट डायरेक्ट कोटा ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो है 113 पोस्टें जो है वो भरी जाएंगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट गार्ड की। तो 113 वैकेंसी जो है वो इस प्रकार से भरी जाएंगी, धर्मशाला में जिसमें से 18 वैकेंसी होंगी, और हमीरपुर में 13 वैकेंसी होंगी, कुल्लू में 13 वैकेंसी होंगी, और नाहन में 6 वैकेंसी होंगी, रामपुर में 9 वैकेंसी होंगी, सोलन में 6 वैकेंसी होंगी, धर्मशाला वाइल्ड लाइफ में 1 वैकेंसी होगी, और शिमला वाइल्ड लाइफ में 3 वैकेंसी होंगी, बिलासपुर में 11 पोस्टें होंगी, मंडी में 4 पोस्टें होंगी, चंबा में 13 पोस्टें होंगी, और शिमला में 16 पोस्टें होंगी। तो इस प्रकार से जो है टोटल 113 वैकेंसी जो है वो भरी जाएंगी। तो इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड 2019। तो इसमें 16/10/2019 की है। तो इसमें बताया गया है कि इंटीमेशन ऑफ द सर्कल 16/10/2019 एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। तो इसके क्राइटेरिया और प्रोसीजर के बारे में 23/10/2019 को जो है बताया जाएगा। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो 24/10/2019 से लेकर के 8/11/2019 के बीच जो हैं इसके फॉर्म भरे जाएंगे। सिक्योरिटी ऑफ फॉर्म्स तो 10/11/2019 से 20/11/2019 तक होगा। और इंटीमेशन ऑफ फिजिकल टेस्ट तो फिजिकल टेस्ट जो होगा इसका वो होगा 21/11/2019 को, 21 नवंबर 2019 को जो है इसका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और इसके बाद आता है आपका जो रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा आपका 22/12/2019 को जो है इसका डेट ऑफ रिटन टेस्ट की है, 22 दिसंबर 2019 को। और इसके बाद आएगा आपका डिक्लेरेशन ऑफ डेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एवेल्युएशन पैरामीटर्स 1 वीक 6/1/2020 टू 13/1/2020 के, और डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएशन, एवेल्युएशन जो होगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन एवेल्युएशन वो होगी 14/1/2020 से 16/1/2020 तक, और कंप्लेंट ऑफ मेरिट लिस्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट जो है इसका 17/1/2020 से 18/1/2020 के बीच जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, 22/12/2019 को इसका दिसंबर में रिटन टेस्ट होगा। तो जो जो कैंडिडेट है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द तैयारियां जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि वैकेंसी इस बार अच्छी हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी जो है आई हैं। तो तैयारियां अच्छे से करें,
ऑल दी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।